गाइस एक ऐसा पावरफुल एआई टूल जिसने रिलीज होने के बाद विद इन 5 डेज इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली कि उसने 1 मिलियन यूजर्स 5 दिन के अंदर कवर कर लिए। अब इसके आ जाने से बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं, जो कंटेंट राइटर्स हैं, उनके माइंड में ये सवाल चल रहा है कि क्या ये हमारा करियर खत्म कर देगा। इवन हद हो गई इस बात की कि कुछ लोग तो ये भी सोचने लग गए कि गूगल को रिप्लेस कर देगा। तो कौन सा है ये टूल और क्यों लोग इसके आने से कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग इसको सही लेके चल रहे हैं, तो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, आई यामिनी वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल डिजिटल यामिनी। गाइस आपको इस चैनल पे इसी तरह के अपडेट्स, ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस जिस टूल की मैं बात कर रही हूँ वो है चैट जीपीटी, एंड आई एम श्योर आप सबने इसके बारे में सुना होगा। इसके रिलीज होने के विद इन 5 डेज इसके 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर गए थे। तो गाइस बात कर लेते हैं चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी बेसिकली एक चैट बॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से तैयार किया गया है और जिसको ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने 30 नवंबर 2022 को रिलीज किया है। और इसके रिलीज होने के बाद इसने कमाल करना शुरू कर दिया, इस पे इतने यूजर्स हो गए और टाइम बाय टाइम यूजर्स इस पे बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं, मैंने इसको यूज किया तो मुझे तो इसका बेनिफिट ही लगा कि इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कैसे आपको इसको यूज करके आप ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स में आपका ये काम आ सकता है। आप इससे ब्लॉगिंग में आपकी हेल्प कर सकता है, आपका कंटेंट जनरेशन में हेल्प कर सकता है, कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर सकता है। तो मैं प्रैक्टिकली वो चीज आपको बताऊंगी। तो बात करते हैं चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी मीन्स जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, मीन्स एक ऐसा बॉट है जो जनरेटिव मीन्स जो जनरेट करता है, बताता है। प्री ट्रेन मीन्स जो ऑलरेडी ट्रेंड है, आपको उसको ट्रेन नहीं करना, कुछ डेटा सेट्स के बेसिस पे इसको ट्रेंड किया गया है। एंड ट्रांसफॉर्मर मीन्स जो ट्रांसफॉर्म करके देता है, जो कन्वर्ट करके देता है। तो इसका मतलब जो भी आप इससे क्वेश्चन करोगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आप सर्च करोगे इस पे जाके, वो इंटरनेट में जो डेटा अवेलेबल है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होते हैं वो आपको शो करके दे देता है। सपोज आपने इससे पूछा हेल्दी रहने के टिप्स, तो ये इंटरनेट पे जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें से बेस्ट रिजल्ट आपको वहां पे शो कर देगा। आप इससे कहोगे ऐसे लिख के दो तो आपको ऐसे लिख देगा, आप इससे कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर आपको दे देगा। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर नॉट अ ह्यूमन। तो ये सॉफ्टवेयर जो डेटा सेट इसमें किया गया है, जो जिसको जितना प्री ट्रेंड किया गया है उसकी बेसिस पे ये काम करता है। तो आप सोचो कि ये कुछ लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, गूगल को रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको डरने की इससे कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, इसको यूज करके आप अपना फायदा कैसे कर सकते हो ये आपको देखना है। तो अब देख लेते हैं कि चैट जीपीटी को आपको यूज कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप चाहो तो मोबाइल से भी यूज कर सकते हो, और वहां पे मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे आपको आंसर्स देगा। अगर आप कुछ हिंदी में लिखते हो तो क्या ये हिंदी में आपको आंसर देगा कि नहीं देगा। तो कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हम करके देखने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइस देख लेते हैं कि चैट जीपीटी को आप कैसे यूज करोगे। इसके लिए आपको चले जाना है अपने गूगल क्रोम पे। अगर आप अपने मोबाइल से ट्राई कर रहे हो तो उसमें आप गूगल क्रोम ओपन कर सकते हो एंड सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको उसमें भी, ठीक है। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बेसिकली शेयर कर रही हूँ। तो आपको जाना है यहाँ पे और लिखना है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी लिखोगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है openai.com, इसी पे जाके आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो इसको पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है ट्राई पे, यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, या फिर आप नीचे यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखते हैं क्या ऑप्शन हमसे मांगेगा। ओके, साइन अप एंड लॉग इन करने के लिए। तो आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको करना है साइन अप, एंड साइन अप आप
यहाँ पे देखो ईमेल आईडी से भी कर सकते हो या अपने गूगल अकाउंट से कर सकते हो, ठीक है। तो आप ईमेल एड्रेस डाल के आई एम नॉट अ रोबोट और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट कर लेती हूँ, और यहाँ पे जो मेरा गूगल अकाउंट है उससे मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो लेट्स सी इसका इंटरफेस कैसा है। पहले ही आपसे आपका नेम पूछेगा, तो आपको अपना नेम दे देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, एंड कंटिन्यू करना है। अब ये वेरीफाई करेगा, ठीक है, आपको क्या करेगा, एक कोड भेजेगा। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे देती हूँ और कोड ये मुझे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे कोड डाल के इसको वेरीफाई कर लूंगी, ठीक है। सो वेट, मैं यहाँ पे एक कोड जो आएगा वो डाल देती हूँ। तो ये ऑटो वेरीफाई कर लिया इसने कोड को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे कैसा इंटरफेस है इसका। ओके, ये आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, आप नेक्स्ट करते जाओ एंड डन पे क्लिक कर दो। उसके बाद देखो आप यहाँ पे न्यू चैट से भी जाके चैट शुरू कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है आपका कर सकते हो। एंड कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, जैसे डार्क मोड, तो आपको डार्क मोड में करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसका जो आपके FAQs वगैरह है वो भी आप कर सकते हो, लॉग आउट भी कर सकते हो। तो मैं भी लाइट मोड में ही रहने देती हूँ, और अपनी जो क्वेरी है बेसिकली यहाँ पे हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी दिमाग में आपके क्वेरीज आ रही है, वो आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो। और इवन आपको पता है यहाँ पे, इवन मैंने टेस्ट करके देखा था कि आप जैसे कोई, आप एक डिजिटल मार्केटर हो और आपको फेसबुक एड बनाना है, तो उस एड से रिलेटेड जो एड कॉपीज हैं, जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो भी इवन आपको ये लिख के दे देगा, ठीक है। तो चलते हैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस उठा लेते हैं, जैसे कि रैंडम क्वेश्चन पहला ले लेते हैं, टॉप 5 हाई डिमांडिंग स्किल्स इन 2023 एंड फ्यूचर, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो। मैंने ये क्वेश्चन किया, तो देखते हैं ये क्या आंसर हमें यहाँ पे दे रहा है। कुछ स्पेसिफिक आंसर देगा या फिर एक जनरल आंसर हमें देगा, तो देख लेते हैं एक बार। ओके, देखो यहाँ पे इसने आंसर अपना देना शुरू कर दिया। तो इसने डिमांडिंग स्किल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसने अपने 5 डिमांडिंग स्किल्स बताए हैं, जो कि है, आप देखो यहाँ पे, यहाँ से शुरू से पढ़ो। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट विद सर्टेनिटी विच स्पेसिफिक स्किल विल बी इन हाई डिमांड, ठीक है। इसने थोड़ा प्रिडिक्ट नहीं किया कि फ्यूचर में कौन सी स्किल हाई डिमांड में रहेगी, बट जैसे जैसे जॉब मार्केट में इवॉल्व हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इसने बताया है कि टेक्निकल स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि आप देखो प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, है ना, साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिएटिविटी की बात करें तो यहाँ पे एक स्किल इसने बताई है, कम्युनिकेशन, बिल्कुल बहुत सही इसने बताया यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्किल है आपकी। अडेप्टेबिलिटी, बिल्कुल, कि आप रेडी टू अडेप्ट हो कि नहीं हो, आपकी जो लर्निंग एप्टीट्यूड आपका है कि नहीं है, फाइन। लीडरशिप स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको सही आंसर यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ से रीजनरेट रेस्पॉन्स भी कर सकते हो, और यहाँ पे ये फीडबैक भी आपसे देखो मांग रहा है कि आपको ये रेस्पॉन्स इसका पसंद आया कि नहीं आया, या फिर आपको अच्छा लगा इसका रिस्पॉन्स, तो आप इसको फीडबैक भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। सेटिस्फाइड लिख देती हूँ मैं अभी यहाँ पे, ठीक है, सबमिट फीडबैक, फाइन। उसके बाद देख लेते हैं, कोई और क्वेरी करते हैं, जैसे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो लेट्स सी, पहले तो ये डिजिटल मार्केटिंग की देखो डेफिनेशन बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, फाइन। देन इसने स्कोप बताना यहाँ पे शुरू किया, एंड सम ऑफ द की एरियाज इसने बताए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे SEO हो गया, PPC हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड आप देख रहे हो वीडियो मार्केटिंग। तो काफी अच्छा कंटेंट ये आपको दे रहा है, ठीक है, ये देखो। लेकिन इसने
ये नहीं बताया कि स्कोप क्या है. आप देख रहे हो यहाँ पे स्कोप नहीं बताया कि क्या फ्यूचर डिमांड है. कुछ एनालिटिक्स के बेसिस पे इसने डेटा नहीं दिया, इसने हमें एक जनरल सा डेटा दे दिया कि डिजिटल मार्केटिंग में ये चीजें होती हैं. ठीक है, तो आप चाहो तो इसको रीजनरेट भी करके देख सकते हो. ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे करके. वैसे गाइस ये देखा जाए तो ब्लॉगर्स के लिए बहुत सही हो सकता है. आप इससे कंटेंट बेसिकली एक अच्छा आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसको आप चेंजेस करके रीराइट करके एज अ ब्लॉग्स में यूज कर सकते हो. या फिर कोई भी कॉन्टेंट आप बना रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए या कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो यहाँ पे आपको यहाँ से काफी हेल्प मिल सकती है. ठीक है, अब कुछ इससे ही रिलेवेंट क्वेश्चन देखते हैं. जैसे वाई चैट जीपीटी इज ट्रेंडिंग, है ना, देखते हैं क्या आंसर ये देता है. GPT, अब देखो इसने फुल फॉर्म लिखा, इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज मॉडल दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय OpenAI. ठीक है, OpenAI जो कंपनी जिसने रिलीज किया है, लॉन्च किया है, वो इसने दे दिया. ये क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल है दैट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन अ लार्ज डेटा सेट. देखो टेक्स्ट का डेटा सेट पे इसको स्किल इसको सिखाया गया है, बेसिकली इसको ट्रेंड किया गया है, जो कि ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करता है, है ना. GPT has gained popularity in recent years due to its ability to generate high quality coherent text that is often difficult to distinguish from text written by a human. ठीक है, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने बता दिया कि क्यों चैट GPT को इतनी पॉपुलरिटी मिली और ये करता क्या है. ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो. एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इस चैट GPT harmful और dangerous, आप कुछ भी लिख सकते हैं, harmful for Google, या फिर is it Google will be at risk with chat GPT, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. तो let's see ये क्या आंसर देता है. Okay, so देखो ये लिख रहा है, it is not accurate to say that chat GPT is harmful to Google or any other company. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि गूगल और अदर कंपनी के लिए चैट जीपीटी हार्मफुल है. जीपीटी इज अ मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप्ड बाय OpenAI. फाइन, अगेन वही चीज दे दी इसने कि जीपीटी इज अ टूल दैट कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में, जैसे कंटेंट जनरेशन में यूज कर सकता है पर्सन चैट जीपीटी को, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, टेक्स्ट समराइजेशन में. ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ऐसा जिसने कुछ भी ऐसा डिस्क्लेमर कुछ भी ऐसा एक फैक्ट नहीं बताया कि गूगल के लिए चैट जीपीटी हार्मफुल है. एक बार इसमें हिंदी में लिख के देख लेते हैं, जो अनफॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, जैसे कि क्या हिंदी में भी कंटेंट लिख सकते हो. ये देखो यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, यस यू कैन सर्टेनली राइट कंटेंट इन हिंदी, है ना. इसने बोल दिया कि आप कंटेंट हिंदी में लिख सकते हैं, अपने ब्लॉग सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह, वेबसाइट में कहीं पे भी आप जो है हिंदी यूज कर सकते हो. बट इसने नहीं बोला कि मैं हिंदी में आपको कॉन्टेंट लिख के दूंगी. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं सेंटेंस को. Can Chat GPT? Can Chat GPT write text in Hindi? ये पूछ के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या बोलता है. Yes, it is possible for Chat GPT or any other language model to generate text in Hindi. ठीक है, ओके. तो देखो इसने रिस्पॉन्स तो किया है, येस इट इज पॉसिबल टू फॉर चैट जीपीटी टू राइट टेक्स्ट इन हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज में भी. ठीक है, लैंग्वेज मॉडल सच एज जीपीटी आर ट्रेन्ड ऑन लार्ज डेटाबेस ऑफ टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड आर डिजाइन टू जनरेट टेक्स्ट दैट इज सिमिलर टू द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द ट्रेनिंग डेटा. जो इसको ट्रेनिंग मिली है, जो इनफीड किया गया है, उसकी बेसिस पे ही ये रिजल्ट दे रहा है. ठीक है, तो ये मॉडल ट्रेंड हुआ है हिंदी टेक्स्ट के लिए भी. ठीक है, बट इट शुड बी एबल टू जनरेट कोहेरेंट एंड ग्रामेटिकल करेक्ट टेक्स्ट इन हिंदी. ग्रामेटिकल करेक्ट भी देगा ये हिंदी में. तो एक बार जरा हिंदी में कुछ लिखते हैं. ठीक है, मैं यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लेती हूँ और हिंदी में लिखते हैं, ब्लॉगिंग क्या है. ठीक है, एक बार ऐसे लिख के देखते हैं, ब्लॉगिंग
क्या है, फिर देखते हैं हिंदी में लिख के हमें देगा कि नहीं देगा। ब्लॉगिंग क्या है? ओ अमेजिंग गाइस, सही है, ये हिंदी में भी देखो आपको लिख के दे रहा है। परफेक्ट, पर थोड़ा स्पीड कम है अगर आप देखोगे तो, ये आपको हिंदी में भी लिख रहा है। तो अगर आप हिंदी में भी ब्लॉग्स अपने लिखते हो तो देखो यहाँ पे आपकी काफी हेल्प हो सकती है, यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हो और फिर उनको अपने अकॉर्डिंग आप अरेंज करके अपने ब्लॉग्स में यूज कर सकते हो, अपने कॉन्टेंट जो भी आप लिख रहे हो उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आप और भी क्वेश्चन या जो भी आपके माइंड में आता है वो आप यहाँ पे सर्च करके यहाँ से पूछ सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, तो गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप सो कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप समझ जाओगे कि कैसे चैट जीपीटी को यूज करके आपको ब्लॉगिंग, कंटेंट जनरेशन, क्रिएशन, इसमें इसको यूज में लेके आना है। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ही एक गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए 2023 में, आपके सक्सेस के लिए, आपको पैसा कमाने में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बेल आइकन के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।